Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Guys, आज के कुछ अर्सा पहले मैंने एक बाइक ली थी Nonsen LX150 सुपर पावर के नाम से लॉन्च किया था पाकिस्तान में RG150 के नाम से. सो गाइज मैं उस टाइम उसकी वीडियो बना नहीं पाया था और उसमें मैंने सोचा था मोटो ब्लॉगिंग की वीडियोज़ भी लाऊंगा आपके लिए, ब्लॉग भी लाऊंगा बाइक राइडिंग के, लेकिन मैं ला नहीं पाया था. सो गाइज लेकिन मैं आज आपको अपनी बाइक की दिखाऊंगा मेरी बाइक है. फ्रंट प्रोफाइल है इसकी, फ्रंट प्रोफाइल गाइस हम आपको इसका मीटर दिखाते हैं. गाइस मैं फुल डिजिटल मीटर मैंने इंस्टॉल करवाया हुआ है. इसके अलावा गाइस मैं एंटी थीफ सिस्टम मैंने लगवाया हुआ है, सही है. और बाकी का आपको दिखाते हैं इसके सन स्टार्ट स्विच है यहाँ पे, इसका इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ सेल्फ का है, यहाँ हॉर्न का है गाइस. और उसके अलावा इसमें कुछ सिस्टम मैंने और भी इंस्टॉल कराया है, मैं आपको दिखाता हूँ. बस यहाँ से मैंने इसमें लाइटिंग का सिस्टम इंस्टॉल कराया है. यहाँ से हम इसकी लाइट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्रीन पर रोक दिया, रेड कर दिया, पर्पल कर दिया और ये फेड पर मैंने लगा दिया गाइस. अभी कलर भी चलता रहेगा जैसे भी हो रहा है. ओके गाइस आज मैं इसकी कुछ चीज़ें चेंज कराया था. इसके आप टायर देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिश हो गया टायर, इसका मैं टायर चेंज कराऊंगा. उसके अलावा इसका चेन पॉकेट भी फिनिश हो गया है, बताओ क्लोज से इसका चेन पॉकेट चेंज कराना है, इसका टायर फिनिश हो गया वो चेंज कराना है. सो उससे पहले मैं एक बर्नआउट भी करूँगा, इसकी बर्नआउट की वीडियो मिलेगी, फिर आपको इसका टायर और चेन पॉकेट चेंज कराते वक्त की वीडियो भी मिलेगी. ओके गाइस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज. तो गाइस आप देख सकते हैं मैं इधर बाइक का चेन पॉकेट चेंज करवाना आया हूँ, वो छेणी 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 छे